हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से दिवाली के लिए ही हम घर पर कंडील तैयार कर सकते हैं। उसके लिए समय भी कम लगेगा और पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो कलर के पेपर लिए, एक ब्राउन और एक येलो। मैंने एक डार्क रंग का पेपर और एक लाइट रंग का पेपर लिया है। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर के पेपर को साइड से कट कर लिया है। अब इसे मैं मोड़ के इसमें से एक डिज़ाइन डालूंगी। अब मैंने देखी है कि किस तरीके से मैंने जिग जैग करके इसमें डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया है। इसमें कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं और इस पट्टी को प्लेन भी रख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसमें अब मैं बीच में से खोल के अब इसकी कैंची से कटिंग कर दूंगी। अब ये दोनों पट्टियां तैयार हो चुकी हैं। अब मैं अपने ब्राउन पेपर को, जो मेरा बचा हुआ पेपर है, इसको फोल्ड करके इसमें डिज़ाइन डालूंगी। कैची से कोई सा भी डिज़ाइन या कोई सी भी शेप हम दे सकते हैं, और अगर आपको नहीं देनी है तो आप नहीं भी दे सकते। मैंने तीन तीन साइड से इसमें डिज़ाइन डाला है। मैंने इसे खोल दूंगी और इसे फेविकोल की मदद से इसे साइड से पेपर को चिपका दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसे चिपका दिया है। उसके बाद मैं अपना येलो पेपर लूँगी, येलो पेपर को बीच में से मोड़ूंगी और जहाँ से ये बंद है पेपर, उस साइड से मैं कैंची से इसमें कट लगाती जाऊँगी। जैसे आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरीके से इसमें छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, इसी तरीके से हमें कट लगाने हैं और ये कट हमें काफ़ी लंबे लगाने हैं। इस पूरे पेपर में मैं इस तरीके से ही कट लगा दूंगी। मैंने सब में कट लगा दिए हैं। अब मैं इस पेपर को बीच में से खोलूंगी, फिर जो मेरा ब्राउन पेपर था उसे नीचे रखकर स्टेपलर की मदद से ऊपर वाले पेपर को इस पर चिपका दूंगी, क्योंकि स्टेपलर करने से इसमें मजबूती आ जाएगी। उसके बाद मैं फेविकोल का इस्तेमाल करूँगी। दोनों साइड से मैं इसी तरीके से इसे स्टेपलर से इसे पिनअप कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं जैसे कि मैं पिनअप कर रही हूँ। पिनअप करने का तरीका बहुत ही आसान है और जो हमारा कंडील है ये खुलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं। अब फेविकोल से मैंने जो पट्टी काटी थी डिज़ाइन की, उस पट्टी को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, जिससे जो मैंने स्टेपलर करा है, जो पेपर मैंने साइड से स्टेपलर करे हैं, वो वाले जो पीने हैं वो भी दिखाई नहीं देंगी। मैंने चिपका दी हैं। आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड से कंडील पर ये डिज़ाइन की पट्टी चिपका दी हैं। उसके बाद अगर मैं इसे टांगूंगी तो मैंने इस पर स्टेपलर की मदद से ही टांगने के लिए इसमें पट्टी जोड़ दी है। अब मेरा कंडील तैयार हो चुका है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।